हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डेली डायरीज। सब जा चुके हैं एंड दिस इज द वंडरफुल टाइम दैट आई रियली लव एंड आई एम श्योर सारी मम्मीज को भी चाहिए होगा। तो भाई सुबह के कितने बज रहे हैं, 9:20 पर हो रहे हैं। थोड़ा सा घर फैला है पर चलता है इतना तो। आई थॉट थोड़ा सा इस शांति का मज़ा लिया जाए एक कप बढ़िया चाय के साथ। तो आ जाओ आप भी, चाय पीते हैं और फिर चाय पीने के बाद काम स्टार्ट करेंगे हम लोग। वाइट लोअर पे ब्लू स्टेन। मैं तो मैसी हूँ, मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी बहुत मैसी हैं। अब कहाँ से ढूंढूँ आला। सी हाउ मेस्ड अप द कबर्ड इज। यस, खुद रखो तो पता होता है सामान कहाँ पे है। चलो इसके लिए तो ऑर्गेनाइजर मंगाएंगे तब इसको अरेंज करेंगे, तब तक इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसका कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड के वाइट लोअर को आला में मैंने डिप करके छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ पे अमेज़ॉन पे कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ एंड आई विल शेयर द शॉपिंग विद यू जो मैंने फ़ोन में की थी। और एक्चुअली मुझे कुछ एक स्टैंड टाइप चाहिए था, रैक जिस पे मैं सामान भी रख सकूँ जो दोनों तरह से यूज़ हो सके। तो देखो मैंने एक दो तीन चीज़ें सर्च भी करी थी, कुछ मैंने पहले से सेव करके भी रखी थी एंड आई विल शो यू। तो बेसिकली जो स्पाइस रैक होती हैं, जो 3 लेयर स्पाइस रैक होती हैं, वो आप अपने कबर्ड में भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। बट मुझे यहाँ पे चाहिए रैक टाइप में, स्टैंड टाइप में, तो विच इज़ कन्वीनियंट। आप उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से यूज़ भी कर सकते हो। तो आई विल शो यू समथिंग एंड ये इस तरह से भी आप देख सकते हो। ये है जो 349 का स्टैंड ये दिखा रहा है, इट इज़ एक्चुअली गुड एंड मैंने इसको किचन में भी यूज़ किया हुआ है एंड आई हैव शोन यू ऑल्सो। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड स्पेस सेविंग ऑल्सो, ड्यूरेबल। और नीचे अगर आप इसको ब्राउज़ करोगे ना तो आपको और इकोनॉमिकल प्राइस में ये दो स्टैंड भी मिल जाते हैं। सो आई फाउंड स्टैंड, पेयर ऑफ टू स्टैंड फॉर 360 रुपीज़। मुझे ये ठीक लगा सो आई एम गोइंग फॉर इट, आई एम गोइंग टू ऐड दिस इन द कार्ट। इसके बाद मुझे चाहिए था पॉली बैग डिस्पेंसर, जो डस्टबिन के डंपिंग बैग्स होते हैं, तो मुझे उसको स्टोर करने के लिए एक पॉली बैग डिस्पेंसर चाहिए था विच इज़ वॉल माउंटेड। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें पिन ठोक के उसको लगाओ, देयर आर सेल्फ एडिसिव जो वॉल हुक्स आते हैं जो पीछे से पील करके चिपक जाते हैं, यू कैन हैंग ऑन देम ऑल्सो, क्योंकि पॉलीथिन में कोई बहुत वेट नहीं होता है। तो ये मुझे एक थोड़ा प्राइस वाइज भी ठीक लगा था एंड आई मेक श्योर कि मैं एक बार रिव्यूज़ चेक कर लूँ कोई भी सामान ऑर्डर करने से पहले। बट सिंस इसका कोई रिव्यूज़ था नहीं पहले से, तो आई थॉट लेट अस बी द फर्स्ट वन टू रिव्यू बाय द प्रोडक्ट एंड गिव रिव्यूज़ ऑन दिस। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है एंड यू कैन बिकम एफिलिएट मार्केटर फॉर दिस। तो मुझे ये ठीक लगा एंड इट कैन कम इन एनी असॉर्टेड कलर्स, सारे कलर ठीक है। वैसे भी मुझे तो पॉलीथिन स्टोर करनी है, सो दिस ऑल्सो गोज़ इन टू द कार्ट। इसके बाद कुछ चीज़ें थी जो मैंने पहले से सेव करके रखी हुई थी, लाइक ये ऑर्गेनाइज़र, ये साड़ी ऑर्गेनाइज़र है। तो मेरी जो है एक्चुअली सिंस वी आर इन टू अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो मेरी जो साड़ीज हैं घर में तो मैं पहनती नहीं हूँ डेली वेयर, तो मेरी जितनी पार्टी वेयर साड़ीज़ हैं वो सब बॉक्स में, एक बड़े बक्से में ऐसी ओपन रखी हैं और वो ख़राब होने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो आई थॉट ऑफ बाइंग दिस साड़ी ऑर्गेनाइज़र। मेरी मदर ने भी अभी ख़रीदे हैं तो उन्होंने बताया इट इज़ वेरी हैंडी टू यूज़ नाउ एंड आपके सामान खोते भी नहीं हैं। तो दैट ऑल्सो वेंट इन टू द कार्ट। अब इसके बाद मैंने ढूंढना था टिफ़िन बैग बच्चों के लिए। एक्चुअली लाडो जब कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ लेके जाती है तो मैं उसका टिफ़िन ना पॉलीथिन में रैप कर देती हूँ एंड शी डज नॉट लाइक दिस। उसको चाहिए तो कि उसको जो टिफ़िन है वो प्रॉपरली जाए। तो दो तीन बार जब मैंने उसको पॉलीथिन में रैप करके दिया ना तो उसको अच्छा नहीं लगा एंड देन शी वॉज बैक टू मी कि मुझे ये ऐसे पॉलीथिन पसंद नहीं है, गेट मी अ प्रॉपर टिफ़िन बैग। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ढूंढा था पहले भी, मुझे ये बैग समझ में आया, ये किसी भी असॉर्टेड कलर में आ जाए, सारे कलर इसके अच्छे हैं। तो दिस ऑल्सो गोज़ इन टू द कार्ट एंड द ग्रैंड टोटल फॉर ऑल द 4 आइटम्स
1227, ठीक है, इकोनॉमिकल है, इतना तो चलता है. आई विल गेट इट डिलीवर्ड इन माई नेम क्योंकि आई एम ऑर्डरिंग इट. एंड इसके बाद जो है आप जब पेमेंट के मोड पे जाते हो, सो सिंस द व्हेन यू आर मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस गूगल पे आस्क यू टू स्टॉप द स्क्रीन रिकॉर्डिंग. तो फर्दर मैं इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे रोकूंगी. तो आई हैव प्लेस्ड द ऑर्डर एंड यू कैन चेक, दिस इज़ द मेल दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम अमेजोन स्टेटिंग दैट माई ऑर्डर हैज़ बीन कन्फर्म्ड एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 3 orders. तो मेरे 4 सामान थे जिसको उन्होंने 3 orders में डिवाइड किया है. एंड आई रियली होप कि ये जल्दी से आ जाएँ क्योंकि एक बार शॉपिंग कर लो तो वेट होता है. तो फ्रेंड्स, आज एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया है. आज आई एम रियली अ मैसी माँ. मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, मेरे घर थोड़ा बहुत फैला हुआ था, प्ले रूम तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. बट देन आई हैव डिसाइडेड टू लेट इट गो. देर आर टाइम्स वैन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू क्लीन एवरी थिंग एंड एनी थिंग. ये ज़रूरी नहीं है कि हम यूट्यूब पे दिखाने के लिए हमेशा घर को बहुत स्पिक एंड स्पैन रखें. और हम में से बहुत सी मदर्स ऐसी हैं, एटलीस्ट कुछ हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जिनको भी एक ब्रेक चाहिए. ठीक है, मैंने अपना घर साफ़ किया है जहाँ तक मुझे ज़रूरी लगता है. जैसे प्ले रूम को साफ़ करने के लिए एटलीस्ट मुझे वो 2 घंटे का टाइम चाहिए. आज मेरा मन नहीं बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट अलाउइंग मी. तो आई एम ऑन रेस्ट राइट नाउ एंड आई वॉन्ट टू कन्वे दिस क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और मैं चाहती हूँ मैं औरों के साथ भी इसको शेयर करूँ कि मेरी एक आदत है, कोई काम मेरे को अगर हिट कर गया तो वो जब तक पूरा नहीं होता वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में हिट करता रहता है कि मेरा ये काम पेंडिंग चल रहा है. लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि घर कभी भी परफेक्ट स्टेट में नहीं रह सकता है, स्पेशली जब आपके बच्चे बहुत छोटे हैं. जैसे मेरे बेटा 3 साल का है, बेटी 7 साल की होने वाली है. तो लेट अस एक्सेप्ट कि हम चाहे कितना भी साफ़ कर लें, घर उतना साफ़ नहीं रह सकता है. एंड पूरे दिन काम करना, घर में काम कभी ख़त्म नहीं होता है. तो आई पर्सनली बिलीव कि जब आपकी बॉडी आपको ये कह रही है कि आज नहीं हो सकता है, तो लिसन टू योर बॉडी. काम तो रुक सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार तबीयत ख़राब हो गई और आपने बेड पकड़ लिया, देन इट इज़ गोइंग टू बी हेल डिफ़िकल्ट फॉर योर फैमिली टू कोप. तो आज के लिए ये मैसी माँ तो मैसी माँ रहेगी. एंड आई होप कि आप भी किसी दिन अपना घर मेस्ड अप छोड़ें, बेसिक क्लीनिंग कर दो. लेट इट बी, आज आपके शरीर को आराम दो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय.